Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2021 रिलीज्ड एक हॉरर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है ऑरा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी जैसलिन के साथ जिसे एंजाइटी इश्यूज हैं। बचपन में हुए एक हादसे के कारण वो अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड है। इसीलिए जब अपने पति ब्राइस के साथ एक नए घर में शिफ्ट करती है तो दरवाजे पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगाने के बारे में सोचती है और उसी तलाश में उसके हाथ लगता है ऑरा, अ मोशन डिटेक्टिंग सिक्योरिटी कैमरा जो आजकल मार्केट में काफी पॉपुलर है मगर बहुत ज्यादा कॉस्टली भी। जैसलिन पहले तो बहुत हिचकिचाती है क्योंकि उनका बजट काफी टाइट चल रहा था, मगर फिर ले ही लेती है। चैन की नींद से ज्यादा कॉस्टली कुछ भी नहीं। लेकिन ब्राइस इस बात को समझ नहीं पाता, वो काफी नाराज हो जाता है। उसे लगता है जैसलिन ये सब करके अपने ट्रॉमा को ही बढ़ावा दे रही है। उसके जिद के वजह से उन लोगों ने इतना पैसा खर्च करके एक इतने अच्छे केटेड कम्युनिटी में शिफ्ट किया है जहां हर महीने उन्हें अलग से सिक्योरिटी चार्जेस भरने पड़ते हैं, जहां हर 2 घंटे में पुलिस पेट्रोलिंग होता है। तो इस सब का क्या मतलब रहा? बात कुछ हद तक तो सही थी, लेकिन जैसलिन भी क्या करती, उसकी हालत किसी और के लिए समझ पाना इम्पॉसिबल था। उस रात उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखती है एक मास्क्ड मैन उसके बिस्तर के पास खड़ा है और बाहर से उसके पेरेंट्स की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। असल में ये कोई सपना नहीं, उसके बचपन के उसी हादसे का फ्लैशबैक था जो अभी भी हर रात नाइटमेयर की तरह उसे हॉन्ट करता रहता है, चैन से सोने नहीं देता। उसके हालत को देखकर ब्राइस अगले दिन इस डिवाइस को दरवाजे पे लगा देता है और पूरा सेटअप करने के बाद ही ऑफिस के लिए रवाना होता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं ब्राइस हर मामले में काफी पर्टिकुलर है। घर को डेकोरेट करने से लेकर ऑफिस के हर छोटे बड़े काम तक काफी अहमियत से करता है। वो अपने प्लान से 1 इंच भी नहीं हिलता, भले उसके लिए उसे ज्यादा एफर्ट या फिर ज्यादा टाइम क्यों ना डालना पड़े, जिस वजह से उसे ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहना पड़ता है और जैसलिन को रहना पड़ता है अकेले। ऐसे एक रात जब वो घर में काम कर रही थी, उसे और से नोटिफिकेशन मिलता है कि दरवाजे पे कोई है, मोशन डिटेक्ट हुआ है, लेकिन कैमरा में कोई दिखाई नहीं देता। जैसलिन को अजीब तो लगता है लेकिन वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है और बाहर झांकती है, मगर वहां सच में कोई नहीं था, बस एक रुकून के अलावा। उसके चीख से तो जैसलिन को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है, मगर एटलीस्ट इस बात की तसल्ली थी कि कोई चाकू लेकर उस पर हमला करने नहीं आया था। जैसलिन रिलैक्स होकर फिर से अपने काम में बिजी हो जाती है, मगर कुछ देर बाद जब फिर से उसे नोटिफिकेशन मिलता है, वो देखती है एक काफी ओल्ड पर्सन दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, इवन उसके नाम से उसे पुकार भी रहे हैं, मगर जैसलिन तो उन्हें नहीं जानती। वो बार बार उनसे पूछती है वो कौन है, उन्हें क्या चाहिए, मगर ये आदमी कुछ नहीं सुनता, उसे बस अंदर आना था। एक पॉइंट पे वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और जोर जोर से दरवाजे पर धक्का देने लगते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर उनसे हो सके तो वो दरवाजा तोड़कर ही अंदर घुस आएंगे। इससे जैसलिन बहुत डर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आती तो है मगर यहाँ एक अजीब कश्मकश में फंस जाती है जैसलिन। कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, न पुलिस को कम्युनिटी में कहीं ऐसे किसी आदमी की कोई एंट्री मिली, और तो और जब उनके सामने वाले घर में रहने वाला बंदा अपने कैमरा में चेक करता है, उससे भी कोई ओल्ड मैन दिखाई नहीं देता। इससे सबको लगने लगता है जैसलिन ने जरूर कोई सपना देखा होगा। पुलिस भी उसके बातों पर गौर नहीं करती, ना ब्राइस। वो तो सबसे ज्यादा श्योर था कि ये जैसलिन की कोई गलत फहमी होगी। जैसलिन के पास कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो भी कुछ कह नहीं पाती। अपने आप को यही कहकर दिलासा देती है कि शायद सभी ठीक कह रहे हैं, मगर उसका मन नहीं मानता। इस हादसे के बाद से ही वो हमेशा कॉशियस रहने लगती है, बार बार फोन को चेक करती रहती है कहीं उसमें कोई नोटिफिकेशन मिस तो नहीं कर दिया। ऐसे में एक रात जब ब्राइस और वो आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे तो फिर से वो आदमी दरवाजे पर दस्तक देते हैं, पुकारने लगते हैं, दरवाजा खोलो जैसलिन, माई स्वीट जैसलिन। जब ब्राइस उसे गाली देकर वहां से जाने के लिए कहता है, वो कोई रिएक्ट ही नहीं करता, उसे बस जैसलिन को देखना था। ब्राइस काफी नाराज हो जाता है और उसी वक्त दरवाजा खोलने भागता है, मगर जैसलिन जानती थी ये आदमी नॉर्मल नहीं है, उन्हें दरवाजा खोलना नहीं चाहिए। मजबूरन ब्राइस अपने नेबर को कॉल करता है इस उम्मीद में कि इस बार जरूर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा जिसे पुलिस को दिखाकर वो लोग मदद मांग सकेंगे, मगर ऐसा होता नहीं। उस नेबर को अपने फुटेज में कुछ भी दिखाई नहीं देता जबकि वो लाइव चल रहा था।
इधर जैसलिन के फोन से भी वो आदमी अचानक गायब हो जाता है। ब्राइस इमीडिएटली बाहर निकल कर देखता है, मगर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। फाइनली वो इसी कंक्लूशन पर पहुंचता है कि जरूर कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। ये ऐप उनके वाईफाई से कनेक्टेड है, जिसे हैक करना कोई बड़ी बात नहीं। वो जैसलिन से कहता है इंटरनेट पे और प्रैंक लिखकर सर्च करने के लिए, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ब्राइस लॉजिकली सोच रहा था तो इसीलिए उसे ये एक्सप्लेनेशन परफेक्ट लगा, मगर उस रात जैसलिन जब घर में अकेली थी, उसने सिर्फ अपने ऐप से नहीं बल्कि दरवाजे के बाहर से भी उस आदमी की आवाज़ सुनी थी। वो जोर जोर से बैंकिंग्स डोर नॉब का हिलना वो कोई हैकर कैसे कर सकता है। फिर भी वो अगले दिन ही और प्रैंक लिखकर सर्च करती है। रिजल्ट में उसे कोई प्रैंक वीडियो तो नहीं मिलता, मगर कुछ क्रीपी वीडियो जरूर मिलते हैं। बहुत लोगों ने दावा किया था कि ये कोई प्रैंक नहीं बल्कि रियल हॉन्टिंग्स है। उनमें से एक लेडी ने तो एक आदमी का डिस्क्रिप्शन देकर स्केच भी बनवाई थी, जिसे पुलिस ने अपने डेटाबेस में सर्च किया और उन्हें पता चला इसे तो पहले भी अरेस्ट किया गया है सेक्स ऑफेंडर के चार्ज पे, मगर अभी ये कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। इससे जैसलिन को अपनी एक बात याद आ जाती है, वो उसके घर में जो आदमी आ रहा है वो उसे जानती है। उसे याद आता है जब वो हाई स्कूल में थी तो वहाँ एक आदमी जैनिटर का काम करता था, मिस्टर हैंड्रिक्स। वो काफी अजीब थे, अपने आप से बातें करते रहते थे हमेशा। लोगों का कहना था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जैसलिन ने एक बार उनसे ऐसे ही हेलो बोल दिया था। उसके बाद से वो जैसलिन के पीछे पड़ गए, हमेशा उसका पीछा करने लगे, उसे देखकर हंसने लगे, हाई हेलो करने लगे। जैसलिन को हर रोज अपना लॉकर कैंडी से भरा मिलता था। उसके बुक्स के अंदर छोटे छोटे लव लेटर्स मिलते थे, जिसमें वो आदमी हमेशा इसी तरह से स्टार्ट किया करते थे, टू माई स्वीट जैसलिन। उनके बर्ताव से जैसलिन काफी डरने लगी थी, जितना हो सका उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी। और फिर एक दिन अचानक ही वो आदमी कहीं गायब हो गए, पता चला वो किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में है। जैसलिन ऑलमोस्ट श्योर थी कि ये वही आदमी है, मगर ब्राइस उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे तब भी लग रहा था ये कोई इंटरनेट बेस्ड प्रैंक है। वो जैसलिन को इस बारे में ज़्यादा सोचने से मना करता है, इससे उसका ट्रॉमा और ट्रिगर हो सकता है। लेकिन सच पता किए बिना उसे तसल्ली भी नहीं हो रही थी। टेंशन में हालत खराब हो चुकी थी उसकी, हर जगह वो उस आदमी को देख रही थी। तो एक दिन जैसलिन सुबह सुबह निकल पड़ती है उस आदमी की तलाश में। उसका कोई एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं मिलता सोशल मीडिया पर, तो वो उसके सिस्टर के घर चली जाती है, रियूनियन का बहाना देकर उसका वेयर अबाउट्स जानने की कोशिश करती है। मगर उसके बहन को भी पता नहीं था वो कहाँ है। कुछ महीने पहले वो एक दिन अचानक ही घर छोड़कर निकल गया था, ये उसकी बचपन की आदत है, इसीलिए उसके बहन ने भी उसे नहीं ढूंढा। फॉर्चुनेटली उसके कमरे में ढूंढने पर जैसलिन को हेनरी की एक तस्वीर मिल जाती है, जिससे वो 100% श्योर हो जाती है कि उसका अजम्पशन ही सही था, ये वही आदमी है। वो उसी वक्त ब्राइस को कॉल करती है और सब बताती है। ब्राइस भी प्रॉमिस करता है कि वो आज रात ही पुलिस से बात करेगा। ये जरूर कोई साइको है, नहीं तो कोई 20 साल बाद भी किसी से कैसे ऑब्सेस्ड रह सकता है। मगर वो मौका उसे नहीं मिलता, क्योंकि उस रात उसके घर लौटने से पहले मिस्टर हेनरिक आ जाता है और उसे देखकर जैसलिन की हालत खराब हो जाती है। As usual, वो बार बार दरवाजा खोलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, उसे बस देखना था जैसलिन को, नहीं तो वो फिर आएगा और ऐसे ही परेशान करता रहेगा उसे। जैसलिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, मगर वो उसे फेस करने का डिसीजन लेती है, खोल देती है दरवाजा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाहर उसे कोई नहीं दिखता, बल्कि वो जब दरवाजा बंद करके वापस आती है तब हेनरिक उसे घर के अंदर मिलता है। वो थैंक्स कहता है उसे अलाउ करने के लिए, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि उसने झूठ कहा था। जैसलिन को देखने के सिवा उसका एक और इरादा भी है। इसे सुनकर जैसलिन को ऑलमोस्ट रोना आ जाता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता हेनरिक अंदर घुसा कैसे, ऊपर से उसके एक्सप्रेशन भी बहुत ही क्रीपी थे, भयानक लग रहे थे वो, कहीं वो जैसलिन पर हमला ना कर दे। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा वो बहुत ही प्यार से जैसलिन से माफी मांगते हैं। बचपन में उनके कारण जैसलिन को बहुत भुगतना पड़ा था, वो उसे डराना या परेशान करना नहीं चाहते थे, फिर भी उसके डर का कारण बन चुके थे वो। अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा है हेनरिक और वही कहने आए हैं और कुछ नहीं।
इस पॉइंट पे जैस्लिन को समझ नहीं आता उसे रिएक्ट कैसे करना चाहिए। उसने भी तो कई बार उनका मजाक बनाया था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें बुली किया था। तो वो भी उनसे माफी मांग लेती है और खुद उन्हें माफ भी कर देती है। इसे सुनते ही मिस्टर हेनरिक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अचानक उनके आंखों से एक काले रंग की लिक्विड निकलने लगती है। देखते ही देखते धूल बन जाते हैं वो और जैस्लिन के आंखों के सामने हवा में बह जाते हैं। ये सब इतना वियर्ड था कि खुद को संभालने में जैस्लिन को थोड़ा वक्त लग जाता है। कुछ हद तक तो वो समझ पाई थी मगर ज्यादातर ही उसके समझ के बाहर था। तसल्ली सिर्फ इस बात की थी कि उसने उसे फेस किया, नहीं तो शायद ये भी उसके किसी ट्रॉमा का कारण बनकर रह जाता। उसका दिल कह रहा था हेनरिक्स फिर कभी वापस नहीं आएंगे और अगले दिन उसे एक ऐसी खबर मिलती है जिससे उसका गैस यकीन में बदल जाता है। जैस्लिन को पता चलता है मिस्टर डेल हेनरिक्स जो पिछले 2 महीने से गायब थे उनकी लाश मिली है पुलिस को शहर के बाहर एक तालाब के पास। उनका मानना है हेनरिक्स ने सुसाइड करी है, वो भी कुछ हफ्ते पहले। अब इसका एक ही मतलब हो सकता था, जैस्लिन के पास जो आया था वो हेनरिक्स नहीं थे, उनकी आत्मा थी, तभी तो वो ऐसे अचानक गायब हो गई। जैस्लिन इस बारे में ब्राइस को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे पता था वो यकीन नहीं करेगा। जब वो पूछता है और कोई आया था कि नहीं, जैस्लिन ना बताती है। इससे ब्राइस को लगने लगता है ये उसके रिपोर्टिंग का कमाल है, उसने ऐसा पासवर्ड रखा है जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन उसी वक्त उसका ये असम्पशन भी टूट जाता है जब जैस्लिन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उनके दरवाजे पे एक लड़की है। काफी डिस्टर्ब्ड लग रही थी वो और काफी कंफ्यूज्ड भी। जब जैस्लिन उससे पूछती है वो कौन है और यहाँ उसे क्या चाहिए, वो बता नहीं पाती, उसे तो खुद भी नहीं पता। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो ग्रेस पार्क में थी, बस। पता नहीं कि उसकी बातें सुनकर इस बार जैस्लिन से ज्यादा रिएक्ट ब्राइस करता है। मे बी जैस्लिन ने ऑलरेडी इतना कुछ देख लिया था इसलिए उसे और कोई डर नहीं लगता। मगर ब्राइस वो तो गुस्से में जैसे पागल ही हो रहा था, बहुत उल्टा सीधा कहता है वो उस लड़की को। और जब वो गायब हो जाती है तब एक झटके में डिवाइस को निकाल के डस्टबिन में फेंक देता है। जैस्लिन को समझ नहीं पाती वो इतना नाराज किस बात का हो रहा है, लेकिन इतना वो समझ चुकी थी कि ये लड़की यहाँ आई है इसका मतलब उसका इस घर के लोगों से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। जैस्लिन अगले दिन ही ग्रेस पार्क में जा पहुंचती है और वहां सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नजर पड़ती है वो है एक एनग्रेव्ड प्लेट पर, एक मेमोरियल पर, जिस पर किसी लड़की मेरी का नाम लिखा था, साथ में उसका बर्थ डेट और डेथ डेट भी। जैस्लिन जब इंटरनेट पे उसका नाम सर्च करती है उसे पता चलता है इस लड़की की मौत इसी पार्क में हुई है, वो भी कुछ महीने पहले, एक ड्रंक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया था। इतना पढ़ के ही जैस्लिन की हार्ट बीट दुगनी हो जाती है। उसे आगे पढ़ने से ही डर लग रहा था, पता नहीं कि उसे बहुत टेंशन हो रहा था, एक अनजान डर से उसके हाथ पैर ठंड पड़ रहे थे, कहीं इसमें ब्राइस का नाम ना हो। मगर आर्टिकल को पूरा पढ़ के उसे पता चलता है पुलिस ने तो ऑलरेडी खूनी को पकड़ लिया है, वो अभी जेल में सड़ रहा है, 15 साल की सजा हुई है उसे। इसे पढ़कर जैस्लिन चैन की सांस तो लेती है मगर अभी उसे ये समझ नहीं आ रहा था इस लड़की से ब्राइस का क्या ताल्लुक। वो घर जाती है और डायरेक्टली ये सवाल ब्राइस से करती है क्योंकि मिस्टर हेनरिक के सच्चाई से वो इतना तो जान चुकी थी कि ये और कोई नॉर्मल सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये डिवाइस आत्माओं के लिए एक मैग्नेट का काम करता है। इसकी टेक्नोलॉजी EMF डिटेक्टर से सिमिलर है जो घोस्ट हंटर्स यूज करते हैं किसी स्पिरिचुअल प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। और ये कोई इसके दिमागी उपज नहीं है, ना ये थ्योरी उसकी अपनी है। इससे पहले कि ब्राइस उसका मजाक बनाए, जैस्लिन ने ऑलरेडी अपना रिसर्च कर लिया था। वो ब्राइस को ऐसे बहुत से वीडियोस दिखाती है जिसमें लोगों ने इस मैटर को डिस्कस किया है, उनके पास सबूत भी है। वैसे सबूत तो जैस्लिन के पास भी है, हेनरिक को अपने आंखों के सामने गायब होते हुए देखा था उसने। पहले उसने ब्राइस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अपना मजाक बनाना नहीं चाहती थी, मगर अभी अपनी पॉइंट प्रूफ करने के लिए उसे पूरी स्टोरी बतानी ही पड़ती है। उस हादसे से इतना वो श्योर हो चुकी थी कि इस डिवाइस से वो स्पिरिट से अट्रैक्टेड होते हैं जिसके साथ उस पर्टिकुलर घर में रहने वाले किसी का कोई कनेक्शन हो, जैसे हेनरिक से उसका था और इस लड़की से शायद ब्राइस का। कुछ तो रीजन जरूर होगा उसके पास। ये बात ब्राइस से कहने पर वो अचानक ही बहुत ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है, मगर जैस्लिन भी हार नहीं मानती, डटी रहती है अपने जिद पर।
जिसके कारण एक पॉइंट पे ब्राइड्स को अपना मुंह खोलना ही पड़ता है और उसके मुंह से निकल जाता है कि मेरी उसकी फियांसे थी। जिस रात उसकी मौत हुई थी वो ब्राइड से ही मिलने गई थी उस पार्क में। ब्राइड्स ने जब कहा वो शादी के लिए तैयार नहीं है, उसे थोड़ा स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, मेरी नाराज हो गई, उतर गई गाड़ी से। ब्राइड्स के लगातार मना करने के बावजूद वो उसके साथ घर लौटने के लिए राजी नहीं हुई, तो ब्राइड्स को भी गुस्सा आ गया और वो मेरी को वहां छोड़कर अकेले ही अपने घर वापस आ गया। उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था वही उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अगले दिन उसे मेरी की मौत की खबर मिली, जरूर उसके जाने के बाद ही वो एक्सीडेंट हुआ होगा। आज तक इस बात के लिए खुद को कोसता रहता है ब्राइस कि अगर वो उस रात मेरी को अकेले नहीं छोड़ता तो शायद आज वो जिंदा होती। अभी तक खुद को माफ नहीं कर पाया है वो, ना किसी से शेयर कर पाया है। ब्राइस की हालत देखकर जैसलीन को बहुत खराब लगता है, बेचारा सच में रिपेंट कर रहा था। ठीक इसी समय जैसलीन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है ऑरा से। उसने वो डिवाइस खुद से इंस्टॉल कर लिया था। अभी जब वो देखती है दरवाजे पर मेरी आई है तो वो ब्राइस से कहती है उससे बात करने के लिए। क्या पता उसकी कोई बात अधूरी रह गई हो, शायद इसीलिए वो यहाँ आई है। इतना कह के वो दरवाजा खोल देती है और मेरी घुस जाती है घर के अंदर। मगर इसके बाद जो होता है वो जैसलीन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम देखते हैं मेरी के पास एक छोटा सा बेबी है जो वो दावा करती है ब्राइस का है। साथ में वो उसे पूरा सच कहने के लिए भी फोर्स करती है। अब यहाँ पर ब्राइस जो कहता है उससे रिवील होता है असली क्लाइमैक्स। पता चलता है उसने जैसलीन को पूरा सच कभी बताया ही नहीं। कैसे बताता, तब तो उसका भांडा फूट जाता ना। एक्चुअली उस रात उन दोनों में बहस जरूर हुई थी मगर वो ब्रेकअप के कारण नहीं। असल में तो मेरी प्रेग्नेंट थी लेकिन ब्राइस को बच्चा नहीं चाहिए था। उसके प्लान में इस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो मेरी से कहता है इसे अबॉर्ट करने के लिए। और इसी से शुरुआत होती है उनके झगड़े की। दोनों इतना एक्साइटेड हो पड़े थे कि उनका होश ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं चला कब बात करते करते मेरी रास्ते के बीचों बीच पहुंच चुकी थी और जब पता चला तब तक बहुत लेट हो चुका था। ब्राइस के आंखों के सामने एक गाड़ी मेरी को कुचल कर जा चुकी थी। लेकिन इससे मेरी की मौत नहीं होती, वो जख्मी हालत में पड़े पड़े तड़पती रहती है। अगर उसे उसी वक्त हॉस्पिटलाइज किया जाता तो शायद वो बच जाती, मगर ब्राइस ऐसा नहीं करता। जब मेरी उससे मदद मांगती रही तो उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। उसे लगा था कि यही मौका है, उसके लाइफ में फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम तो अपने आप ही सॉल्व हो रही है। इसीलिए वो उस रात मेरी की कोई मदद नहीं करता, उल्टा अपने पैर से चोक करके उसकी गर्दन तोड़ देता है, उसे मार डालता है और फिर भाग जाता है वहां से। किसी को पता भी नहीं चलता। पुलिस को लगता है मेरी की मौत हिट एंड रन के कारण हुई है, तो वो लोग उस ड्राइवर के पीछे पड़ जाते हैं। और इधर ब्राइस इतनी बड़ी जुर्म करके भी खुलेआम जीने लगता है। सब कुछ उसके लाइफ में वैसा ही चलता रहता है जैसा उसने प्लान किया था, कहीं और कोई गड़बड़ नहीं होती। मगर पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कभी एक ऐसे दिन भी आएगा कि उसे खुद अपने गुनाह कबूल करने पड़ेगी। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि कभी एक ऐसा दिन भी आएगा कि उसे खुद अपनी गुनाह कबूल करनी पड़ेगी। उस दिन मेरी को दरवाजे पर देखते ही उसने पहचान लिया था, इसीलिए ही डिवाइस को हटा दिया था उसने, जिससे उसका राज छुपा रहे। मगर ऐसा होता नहीं, जैसलीन का उसका सच पता चल ही जाता है। अभी तो उसका मुंह बंद करना होगा। जिसके लिए ब्राइस फिर से एक और गलती करने जाता है। वो एक लोहे की रॉड उठा लेता है जैसलीन को मारने के लिए, लेकिन मेरी ऐसा होने नहीं देती। उससे पहले वो ब्राइस को ठीक उसी तरह चोक करके मार डालती है, उसकी गर्दन तोड़ देती है और फिर उसे साथ लेकर गायब हो जाती है। उसका रिवेंज पूरा हो चुका था तो शायद उसके आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। अगले सीन में हम पहुंच जाते हैं पूरे 3 महीने बाद, मिलते हैं जैसलीन से जिसने अपना घर बदल लिया था। ये बिल्डिंग कंपैरेटिवली पहले वाली से कम सिक्योर है मगर अभी उसे और कोई डर नहीं है। फाइनली वो अपने ट्रॉमा को काबू करना सीख चुकी है और इसका बिजनेस, उसकी हालत भी पहले से काफी बेहतर है। ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था उसके साथ, लेकिन एक दिन उसके लैंडलॉर्ड के एक छोटे से गलती के कारण उसके जिंदगी में फिर से तूफान आ जाता है। वो गलती से उसके दरवाजे पे ओरा जो इंस्टॉल कर दिया था, इससे जैसलीन काफी डर जाती है और इसे इमीडिएटली रिमूव करने के लिए कहती है। मगर उस आदमी को लगता है वो शायद इसका कॉस्ट पे करना नहीं चाहती, इसीलिए ऐसा कह रही है, तो वो ये कहकर निकल जाते हैं कि ये कम्प्लीमेंट्री है, बिल्डिंग के हर दरवाजे पर है,
उसे कोई एक्स्ट्रा कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। मगर इसका असली कॉस्ट तो पे करना पड़ता है जैस्लीन को। उसे जिसका डर था वही होता है। उस आदमी के निकल जाते ही ब्राइस दस्तक देता है दरवाजे पर, चिल्ला चिल्ला कर जैस्लीन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अब इससे वो कैसे बचेगी? इसी सवाल के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इसके बाद ऑफ कोर्स जैस्लीन जरूर डिवाइस को रिमूव कर देगी, लेकिन इससे सिर्फ इतना होगा कि वो और ब्राइस को देख नहीं पाएगी। मगर मन ही मन उसे पता तो होगा ना कि ब्राइस उसके आसपास ही है, गुस्से के आग में जल रहा है वो। क्या ऐसे कभी जैस्लीन को चैन की नींद मिलेगी? शायद नहीं। दोस्तों, ये कहानी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, आइडिया काफी यूनिक है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।